अगर आपके पास भारी वाहन गाड़ी है, यानी कि 10 चक्का 12 चक्का, तो उसके लिए आपको सरकार को रोड टैक्स जमा करना होगा। रोड टैक्स आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। रोड टैक्स जमा करने का पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट बताने की कोशिश किया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वो पेन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आपको परिवहन लिखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परिवहन। परिवहन लिख के जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पहली वेबसाइट आ चुकी है, parivahan.gov.in की वेबसाइट पे आपको सिंपली से आना है। यहीं से आप ड्राइविंग लाइसेंस की भी जो भी सुविधा होती है, जो भी रोड की सुविधा होती है, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशन होते हैं, यहीं से होते हैं। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है, करेक्शन भी होता है, सुधार भी होता है, और रोड टैक्स भी होता है। जितने भी तरह की ऑनलाइन प्रक्रिया होती है तो आप इसी वेबसाइट से कर पाएंगे। इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो में आपको सभी चीज़ के बारे में बताया, लर्नर लाइसेंस कैसे बनाएं, लर्नर लाइसेंस कैसे सुधार करें, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे सुधार करें। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ व्हीकल रजिस्ट्रेशन के नीचे यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है कौन से स्टेट में हुआ, वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट की वेबसाइट पे ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गाड़ी नंबर डालेंगे, गाड़ी नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे RTO सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ये गाड़ी नंबर वाले बॉक्स जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी कि उस पर क्लिक नहीं हो रहा, गाड़ी नंबर नहीं दबा रहा है, तो वो क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपको अपना RTO सेलेक्ट करना है। RTO सेलेक्ट करने के बाद व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स जो है हाईलाइट हो जाएगा, तब आपको इसमें सभी चीज लिखने को दिया जाएगा, यानी कि हाईलाइट हो गया तब आप इसमें कोई भी चीज लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर RTO सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरह के यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस है, जैसे ये आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पे योर टैक्स, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रांसफर फॉर ऑनरशिप, यानी कि मालिक जो उसको चेंज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे के नाम पे, अप्लाई फॉर फिटनेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फॉर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, रिन्यूअल कर सकते अपने रजिस्ट्रेशन को। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, या अपने RC को सिलेंडर कर सकते, जो भी मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते, अपने जो अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा किसी भी चीज के लिए, अगर चाहते हो उसको रिजेक्ट करना यानी कि निकालना हो तो विड्रॉ भी अपनी एप्लीकेशन को कर सकते। तो हम अपने टॉपिक पे की ओर जाएंगे, यानी कि अपना टैक्स जमा करेंगे। अपना टैक्स जमा करने के लिए पे योर टैक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे योर टैक्स पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओनर का मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, जो भी रजिस्टर उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर नहीं है तो कोई भी मोबाइल नंबर डाल के आप ट्राई करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद जनरेट OTP भी क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, जनरेट OTP क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे OTP जो जनरेट हो गई है, जो भी मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया था उस पर एक OTP भेज दिया गया 4 अंक का, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। चलिए OTP हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है, उस OTP को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी OTP हमें मोबाइल पे रिसीव हुआ OTP यहाँ पे डाल लेते हैं। OTP डाल चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे कुछ इस तरह यहाँ पे आपके सामने ये जो OTP है वो वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखने को लेटेस्ट टैक्स डिटेल आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे परमिट डिटेल आपको दिखने को मिलेगा और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी डिटेल दिखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारे केस में 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो हम दोनों पे यहाँ पे टैक्स मोड पे क्लिक करेंगे। चलिए हम उसके बाद यहाँ पे टैक्स मोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो टैक्स मोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ईयरली है और एक क्यूटली, यानी ईयरली साल के लिए आपको रोड टैक्स हो जाएगा, और 2 नंबर वाले सिलेक्ट करेंगे वो 3 महीने के लिए होता है। चलिए हम 3 महीना के लिए करेंगे, 3 महीना का रोड टैक्स जमा करेंगे, तो हम नीचे वाले सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप दूसरा में भी आपको सेम इसी तरह करें, जितना भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सभी में करना, मुझे 2 ही देखने को मिला, हम 2 में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने 1 में क्लिक कर लिया, 3 महीने का जो अवधि है वो, और इसमें भी हम कर लिए। अगर ये वाले आप सेलेक्ट कर रहे थे तो आपका जो रोड टैक्स वो 3 महीने के लिए जमा होगा, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्स जो कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप कब से आपका ये जो 3 महीना का है कब से ये टैक्स रोड टैक्स स्टार्ट हो जाएगा और कब तक वैलिड रहेगा, वो आप यहीं पे देख सकते हैं।
पेमेंट से पहले ही देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 महीना के दरमियान है। अगर आप साल का करना चाहते तो साल का भी कर सकते हैं। तो मैं भी 3 महीना का ही रोड टैक्स जमा करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पीरियड भी देख सकते हैं, कब से आपका रोड टैक्स चालू होगा, कब तक ये चलेगा, वो आप देख सकते हो। कितने अमाउंट लगने वाले हैं वो सारी चीज आपको यहीं पे आपकी स्क्रीन पे दिखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कब से कब तक आपका रोड टैक्स चलेगा और कितने रुपए आपको रोड टैक्स देना होगा, वो जो रोड टैक्स है वो क्या है, वो टैक्स कितना है, पेनल्टी क्या है, चार्ज क्या है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे टोटल करके भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। यानी कि टोटल आपको इतना पेड करना होगा। तो टोटल कितने अमाउंट आपको लगेंगे, कौन से अमाउंट जो चार्ज है, वो कौन से चार्ज क्या है, वो भी आप यहाँ पे टैक्स ब्रेक ऐप से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोड करके देख सकते हैं कौन से चार्ज में क्या है, पेनल्टी क्या है, चार्ज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, और पिछला आप चल देखना चाहते हो टैक्स डिटेल, यहाँ पे आप नो योर प्रीवियस टैक्स डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के लिए पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा, यानी कि आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा आपकी डिटेल फिर से शो करेगी, कौन कौन सा टैक्स लग रहा है, कितने चार्ज लग रहा है। उसके बाद यहाँ टिक मार्का लगाएंगे, इस बॉक्स में आपको टिक मार्का लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे टिक मार्का लगा लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे अभी टिक मार्कर लगाएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे गेटवे मोड को आपको सेलेक्ट करना, एक ही यहाँ पे आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे मोड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरह यहाँ पे आपको ई रिसिप्ट जनरेट होता है, जो कि आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपके आरटीओ की डिटेल, आपकी गाड़ी की डिटेल, और यहाँ पे आपको ईयर दिखाने को मिलेगा। यहाँ पे आपको करंट जो ईयर चला वो डालेंगे, और यहाँ पे आप जो पीरियड है, जो भी आप पीरियड सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 महीने वाला जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम 3 महीने के लिए ये पेमेंट कर लें। ठीक है, वन टाइम नहीं कर रहे हैं, तो आप जो वन टाइम सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 महीने वाले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी डिटेल यहाँ पे आपकी पूरी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल पे आपको ई पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कौन से बैंक से आप पेमेंट करना चाहते, जो भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते वो बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन भी जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट बैंक पे रिडायरेक्ट कर देगा। स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं SBI के इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट करूंगा। तो मैं SBI की इंटरनेट बैंकिंग को यहाँ पे आप उसके नीचे यहाँ पे क्लिक है, एक ऑप्शन है क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, SBI से हम पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, SBI का इंटरनेट बैंकिंग ID पासवर्ड, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड हमें डालकर लॉगिन करना है इंटरनेट बैंकिंग है। तो जो भी बैंक का आपका आईडी पास इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड होगा, वो आप यहाँ पे एंटर करके और लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे लॉगिन हो चुका है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपके पेमेंट को डिटेल दिखाएगी, कितने रुपए आपके अकाउंट से कट रहे, ये सभी को आप कंफर्म कर लेंगे। उतना ही रुपए आपके अकाउंट से कट रहा है, उतना रुपए आपके बैंक अकाउंट में रहना अनिवार्य है, नहीं तो। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल को, अपनी डिटेल को कंफर्म करना है। उसके बाद नीचे हम आएंगे, कंफर्म बटन भी क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए हम कंफर्म करेंगे। फिर से हमें कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, फिर से हम नीचे आएंगे, फिर से कंफर्म करेंगे। हमारे अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर, उस पर एक OTP भेज दिया गया, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे OTP हमें रिसीव हो चुका है, वो OTP को हम यहाँ पे OTP वाले बॉक्स में एंटर कर चुके हैं। उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमारा पेमेंट जो यहाँ पे हमारे अकाउंट से कट गया, पेमेंट सक्सेस हो गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब हमें वेट करना है 1 मिनट का। अब 1 मिनट के अंदर ये वेबसाइट हमें रिडायरेक्ट कर देगी फिर से परिवहन की वेबसाइट पे, तो हम वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको रीलोड या बैक नहीं करना, अगर रीलोड या बैक करेंगे तो आपको रुपया जो फंस सकता है। ठीक है, तो आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना होगा, कम से कम 1 मिनट का आपको वेट करना होगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा ये जो रिडायरेक्ट कर दिया गया, ठीक है, देख सकते हैं मैं ये जो रिडायरेक्ट कर दिया। रिडायरेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि पेमेंट जो रिडायरेक्ट करने में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया था, जिसकी वजह से हमारा ये सेशन जो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हमारे अकाउंट से पेमेंट भी काट लिया गया। अगर ये स्थिति आपके साथ भी होती है तो आपको दिक्कत, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आपका सेशन फेल हुआ, आपका पैसा नहीं फंसा है, आपका पेमेंट जो वो सक्सेस हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अब हम बताते आगे की क्या प्रक्रिया करनी होगी।
उसके अलावा फिर से होम पेज पे जाना है, फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आरटीओ डाल के आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, हम फिर से यहाँ पे आरटीओ नंबर डाल के प्रोसीड किए। जैसे प्रोसीड करेंगे फिर से यहाँ पे पे योर टैक्स पे आपको क्लिक करना। जैसे आप पे योर टैक्स पे क्लिक करें फिर से यहाँ पे वेरीफाई बटन भी क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई बटन भी क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरीफाई मतलब पिछला एक ट्रांजेक्शन दिखा रही है जो हमारा फेल हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर पेंडिंग ट्रांजेक्शन, हमारा जो पिछला ट्रांजेक्शन वो पेंडिंग हो गया था उसको क्लियर करना। क्लियर करने के लिए क्लियर पेंडिंग ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि गाड़ी नंबर डालेंगे, जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डाल के अपना पेमेंट जो वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे गाड़ी का चेसिस नंबर का अंतिम का 5 अक्षर देना है। गाड़ी का चेसिस नंबर का अंतिम का 5 अक्षर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। चेसिस नंबर का अंतिम का 5 अक्षर प्रिंटर कर दो। उसके बाद जो भी कैप्चर आपको दिखने को मिलेगा वो कैप्चर आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चर एंटर करने के बाद आपको सो डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सो डिटेल पे क्लिक करेंगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से जो भी पेमेंट हुआ होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे आप सो बटन पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह यहाँ पे लोड लेगा, कुछ इस तरह आपको दिखा देगा आपका पिछला ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे जो अभी मेरा पेंडिंग हुआ था, जो कि आप देख पा रहे यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर जो ट्रांजेक्शन नंबर पे ही क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन नंबर पे ही क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाएगी। उसके बाद आपको चेक टू बैंक पे क्लिक करना है। चेक टू बैंक पे क्लिक करके आपको पेमेंट को वेरीफाई करना है। तो आपको सिंपली सर चेक टू बैंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चेक टू बैंक पे क्लिक करेंगे यानी कि अपनी पेमेंट को आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे बैंक से आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको चेक टू पेमेंट बैंक पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको व्हाइट पेज आ रहा है, कोई अगला नेक्स्ट पेज आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है ये भी हम बता देते हैं। तो आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद कुछ समय बाद फिर से आप ये से ट्राई करेंगे तो आप चेक टू बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा। हमारे केस में अभी कोई न्यू पेज यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, व्हाइट पट्टी आ रहा है यानी कि व्हाइट आ रहा है। तो आपको कुछ समय बाद फिर से ट्राई करना है, फिर से आपको इतना ही प्रक्रिया करना होगा, लेकिन पेमेंट नहीं करना है क्योंकि पेमेंट हमने एक बार पहले ही कर चुके हैं। अगर आपका ट्रांजेक्शन जो वो पेंडिंग नहीं होता है तो उसके बाद की प्रक्रिया हम बता देते हैं। हमारे केस में जो ट्रांजेक्शन जो पेंडिंग हो गया था उस ट्रांजेक्शन पेंडिंग ट्रांजेक्शन को क्या सॉल्यूशन था उसको सॉल्व करने का प्रक्रिया हमने बता दिया। अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग नहीं होता है, सक्सेस हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है वो भी हम आपको एक ही वीडियो में बता देते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। अगर आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग नहीं होता है तो कुछ इस तरह यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा सक्सेस, जो कि आपको दिखा देगा योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। और पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग हो जाता है, पीछे हमने सॉल्यूशन बता दिया। अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग नहीं होता है तब आप पेमेंट करेंगे, कुछ इस तरह यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल बता देगा। उसके बाद आप कुछ समय वेट करेंगे तो उसके बाद ये वेबसाइट रिडायरेक्ट कर देगी। तो यहाँ पर हम पेमेंट कर चुके, वेट कर लेते, वेबसाइट रिडायरेक्ट कर देगी। उसके बाद कम से कम आपको 60 सेकंड वेट करना है। 60 सेकंड के अंदर ये वेबसाइट आपको रिडायरेक्ट कर दे। जैसा कि आप देख पा रहे हमारा ये रिडायरेक्ट कर चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स रिसिप्ट जो है जो जनरेट करके दे देती, यही टैक्स रिसिप्ट है यानी कि टैक्स का डॉक्यूमेंट। यहाँ पर फीडबैक मांग रहा है, फीडबैक आप यहाँ पर देना चाहते दे सकते हैं यहाँ पर आप, नहीं तो क्लोज करते यही प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट कर सकते, यही टैक्स का डॉक्यूमेंट है, यही प्रिंट करके कस्टमर देना है, यही कस्टमर को देना है, यही आपका टैक्स जमा का डॉक्यूमेंट प्रूफ हो गया।